Hello, my name is Ansuman, and this particular video is on Biological Diversity Act of 2002. इससे पहले मैंने वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 कवर कर लिया है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये दोनों एक्ट्स रिलेटेड मैंने वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी. अगर आपने वो नहीं देखा है देन डू वॉच डैट वीडियो, क्योंकि एक्ट्स रिलेटेड जितनी भी वीडियोज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये वीडियो है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 और एक्ट्स रिलेटेड और एक वीडियो मैं डालूंगा जो फॉरेस्ट एक्ट्स रिलेटेड होंगी. उसमें चार एक्ट्स कवर होंगे, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 एंड आफ्टर देन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 एंड कैंपा एक्ट. तो इस वीडियो में देख लेते हैं ऑन द दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस एक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी. तो इंडिया ने 1992 का जो अर्थ समिट हुआ था उसे अटेंड किया था, और अर्थ समिट से क्या हुआ था कि मेजर मेजर कन्वेंशंस निकले थे. फॉर एग्जांपल द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसी अर्थ समिट से निकला था, 1992 के रियो अर्थ समिट से. UNFCCC वो भी उसी अर्थ समिट से निकला था. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन भी उसी कन्वेंशन से निकला था. एजेंडा 21 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो भी उसी पर्टिकुलर अर्थ समिट से निकला था. तो इंडिया ने इस पर्टिकुलर कन्वेंशन, डैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को साइन किया था 1992 में. और ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये रिकॉग्नाइज करता है सॉवरेन राइट्स ऑफ स्टेट्स टू यूज देयर ओन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. अगर इंडिया को कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स यूज़ करना चाहता है तो उसको इंडिया की किसी अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा, ये इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में कहा गया है. तो जब इंडिया ने इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को साइन किया तो इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को लीगल बेसिस देने के लिए इंडिया को एक एक्ट पास करना होगा, और इसीलिए इंडिया ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास किया 2002 में. और डेफिनेटली इंडिया ने इस पर्टिकुलर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्टिगना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, तो इंडिया ने इन सारे प्रोटोकॉल को भी साइन किया है. तो इन सारे प्रोटोकॉल को भी लीगल बेसिस देने के लिए डेफिनेटली इंडिया ने इस पर्टिकुलर एक्ट को साइन किया. मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने CBD को साइन किया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर इंडिया ने कार्टिगना प्रोटोकॉल को साइन किया, नगोया प्रोटोकॉल को साइन किया. तो इतने सारे कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को लीगल बेसिस देने के लिए इंडिया ने इस पर्टिकुलर एक्ट को पास किया इन द ईयर 2002. अब कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में क्या अंतर होता है कि जो कोई भी प्रोटोकॉल साइन होता है वो किसी कन्वेंशन के तहत साइन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्लाइमेट चेंज में पढ़ते हो गए, UNFCCC डैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, वो एक कन्वेंशन है और उसके तहत काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल क्योटो प्रोटोकॉल भी एक प्रोटोकॉल था. 2015 में जो पेरिस समिट हुई उससे जो INDCs निकले वो भी एक प्रोटोकॉल है, एंड दोज प्रोटोकॉल्स आर अंडर UNFCCC. और उसी तरह कार्टिगना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल भी प्रोटोकॉल से अंडर CBD. कार्टिगना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोसेफ्टी. इस प्रोटोकॉल के तहत क्या होता है, फॉर एग्जांपल बहुत ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में. फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, GMO है, उसको अगर एक्सपोर्ट करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो इस प्रोटोकॉल के तहत वो एक्सपोर्ट होता है. इस प्रोटोकॉल के तहत ऐसा होगा कि कोई एक सेफ्टी मेजर्स काफ़ी सारे होंगे इस प्रोटोकॉल के तहत, कि इस कंडीशन में ही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इस कंट्री से दूसरे कंट्री में, और दूसरे कंट्री को सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बताना होगा. तो एवरीथिंग रिलेटेड टू बायोसेफ्टी कंसर्निंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इस कार्टिगना प्रोटोकॉल के तहत कवर होता है. और नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कंट्री का कोई भी अगर रिसर्चर, फॉर एग्जांपल जर्मनी से कोई रिसर्चर इंडिया में आता है और इंडिया के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और बायोडाइवर्सिटी से कुछ वो प्रोडक्ट डिराइव करता है, फॉर एग्जांपल किसी प्लांट से वो किसी पर्टिकुलर डिजीज का एक क्योर निकालता है, तो फाइनली जो वो क्योर निकाला है, वो फाइनली जो मेडिसिन निकली है, तो उसका एक ड्यू बेनिफिट उस पर्टिकुलर रिसर्चर को इंडिया को भी देना होगा, क्योंकि वो बायोलॉजिकल रिसोर्स उस पर्टिकुलर रिसर्चर को इंडिया में मिला था. तो नगोया प्रोटोकॉल इज रिगार्डिंग इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज.
तो डेफिनेटली ये कार्टेगना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और भी जितने आईची टारगेट्स हैं उसको मैं डिटेल में कवर करूंगा जब मैं कन्वेंशंस को डिस्कस कर रहा हूँगा रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। तो ये मैंने बेसिक फ्रेमवर्क दे दिया कि ये एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी और कार्टेगना और नगोया प्रोटोकॉल इनफैक्ट है क्या। इन दोनों में पहले कार्टेगना प्रोटोकॉल साइन हुआ था और नगोया एक जगह है जापान में और कार्टेगना एक जगह है कोलंबिया में। और इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत ऑब्जेक्टिव्स भी मेंशनड हैं और वो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स नगोया प्रोटोकॉल के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आपको फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बस पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ ये तीन ऑब्जेक्टिव है नगोया प्रोटोकॉल के, क्योंकि मेंस में एज सच आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि क्या ऑब्जेक्टिव है नगोया प्रोटोकॉल का वो ना के बराबर चांस है। लेकिन हाँ जस्ट आप अगर एक बार कर्सरी व्यू दे दिए रीड कर लिए तो मे बी आपको याद भी रह सकता है। फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकेंड इज सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, एंड थर्ड इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो किसी दूसरे कंट्री का रिसर्चर अगर इंडिया में आके कोई मेडिसिन लेट से डिराइव करता है आउट ऑफ जेनेटिक रिसोर्स और बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑफ इंडिया, तो उस पर्टिकुलर रिसर्चर को ड्यू बेनिफिट ड्यू शेयर देना होगा इंडिया को भी, क्योंकि वो बायोलॉजिकल रिसोर्स इंडिया में मिला था। उसी तरह ट्राइबल के जो अगर ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ किया जाता है तो एक ड्यू शेयर ड्यू बेनिफिट उन ट्राइबल्स को भी देना होगा क्योंकि उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ किया गया। ये भी नगोया प्रोटोकॉल के तहत कवर्ड है और अल्टीमेटली इस एक्ट के तहत भी कवर्ड है क्योंकि नगोया प्रोटोकॉल को एक लीगल बेसिस दे रहा है ये एक्ट। अब फीचर्स देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्ट का मैंने पूरा एक्ट मैंने रीड किया और डेफिनेटली अगर आपको इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताने हो तो टोटल सिक्स इंपॉर्टेंट फीचर्स इस एक्ट के तहत बताए जा सकते हैं। फर्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इट गिव्स लीगल बेसिस टू नगोया एंड कार्टेगना प्रोटोकॉल इन इंडिया। तो नगोया और कार्टेगना प्रोटोकॉल मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं कन्वेंशंस डिस्कस कर रहा हूँगा, लेकिन एक बेसिक फ्रेमवर्क मैंने आपको स्टार्टिंग में दे ही दिया कि ये लीगल बेसिस देता है इन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को इंडिया में। और इस एक्ट के तहत एक थ्री टीयर मैकेनिज्म बनाया गया है। सेंट्रल लेवल पे देयर इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे देयर इज अ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, और लोकल लेवल पे देयर आर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। तो सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी अथॉरिटीज हैं, इसलिए देयर इज थ्री टायर मैकेनिज्म। और इनका काम क्या होता है कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कैसे रेगुलेट करना है इन अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं। सबसे सुप्रीम है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये भी रूल्स बनाएंगी और उन रूल्स के तहत स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स रेगुलेशंस बनाएंगे और इन रेगुलेशंस के तहत बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज कुछ भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले सकती हैं। तो ये सुप्रीम अथॉरिटी है, ये उसके अंडर है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स और उनके अंडर होता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। इन तीनों थ्री टीयर मैकेनिज्म का जो अल्टीमेट एम है दैट इज टू रेगुलेट द एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। और कोई भी अगर फॉरेनर इंडिया में रिसर्च करता है ऑन द बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑफ इंडिया तो उनको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, और अगर कोई इंडियन जेनेटिक रिसर्च करता है इंडिया के बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज़ करके तो उसको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। तो फॉरेनर करता हुआ है तो उसको सेंट्रल लेवल अथॉरिटी डेट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, और अगर इंडियन करता है तो उसको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से परमिशन लेनी होगी रिसर्च के पर्पस के लिए। और देयर इज ऑल्सो मेंशन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ये भी एक एसेंशियल पॉइंट है क्योंकि बहुत कम ही एक्ट्स में ऐसे देखे जाते हैं कि फंड का भी मेंशन होता है। और इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकती है। जैसे मैंने बताया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत टोटल चार साइट्स प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किए जा सकते हैं, एंड दोज आर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स किसी भी एक्ट के तहत कवर नहीं होते हैं। उसी तरह बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किए जा सकते हैं, और तेलंगाना का जो अमीनपुर लेक है दैट इज द फर्स्ट सच साइट दैट इज बायोलॉजिकल दैट इज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रीलिम्स में ये दिया जा सकता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत डिक्लेयर किए जाते हैं, तो डेफिनेटली वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। और जो लोकल लेवल पे जो अथॉरिटी होती है डेट इज बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज,
वो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स मेंटेन करती हैं। और बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स में क्या होता है कि लोकल लेवल में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती हैं उनका नेम एंड नॉमेनक्लेचर इस रजिस्टर में डाला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लोकल लेवल पे किया जाता है, तो डेफिनेटली लोकल लेवल पे किया भी जाना चाहिए, लेकिन ये अप टू डेट उतना नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पे यहीं पे लाई करती है। तो 2008 में अगर देखें मेंस में एक सवाल आया था डायरेक्टली फ्रॉम द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, और ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि आप अगर मेंस का सिलेबस देखेंगे जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट का पार्ट, तो उसमें कंजर्वेशन लिखा गया है, तो वहीं से उठ के ये सवाल आया था। और जो क्वेश्चन था कि हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वैरी इन इंडिया एंड हाउ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो हाउ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द कंट्री, उसमें अगर ये छह फीचर्स आपको पता है, जिनमें अगर आपने ये छह फीचर डाल दिए हैं, डैट विल बी मोर देन इनफ और एक अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वैरी इन इंडिया, उसमें आप काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको एक अच्छी नॉलेज बेस आपके पास है रिगार्डिंग फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री, कि इंडिया में टोटल चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, दे आर वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, सन्डरलैंड जिसमें अंडमान एंड निकोबर आइलैंड्स आते हैं। टोटल 104 नेशनल पार्क हैं, 50 टाइगर रिजर्व हैं, 32 एलिफेंट रिजर्व हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। टोटल 16 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द चैम्पियन सेट क्लासिफिकेशन। और इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बायोडाइवर्सिटी भी मिलती है, टेम्परेट क्लाइमेट की बायोडाइवर्सिटी भी मिलती है, सब अल्पाइन और अल्पाइन क्लाइमेट की बायोडाइवर्सिटी भी मिलती है। 500 से अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टोटल 131 मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, बहुत सारे इंडेमिक स्पीसीज भी इंडिया में पाए जाते हैं। इंडेमिक का मतलब है कि जो केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं, डैट इज अ पिग्मी हॉग जो असम में पाया जाता है, लाइन टेल्ड मकैक जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है, नीलगिरी ताहर जो डेफिनेटली केरला और तमिलनाडु के रीजन में पाए जाते हैं, बहुत सारे स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, फॉर एग्जांपल घड़ियाल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आप कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को इंडिया के मैप पे भी शो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रणथंबोर राजस्थान में या फिर सरिस्का राजस्थान में, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स जैसे अगस्तमलाई, नीलगिरी, कुछ मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स जैसे सुंदरबंस, तो उसको आप मैप में भी शो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने इतना पार्ट अगर डिस्कस कर लिया है अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कितने तरह के क्लाइमेट है उन और हर तरह की बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, कुछ इंडेमिक स्पीसीज के बारे में बता दिया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बता दिया और कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को आपने मैप पे शो कर दिया, आपने इतना काम भी अगर सही से कर दिया। और सेकेंड पार्ट में जिसमें पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कैसे हेल्प करता है इन द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो उसमें आपने फीचर्स ऑफ द एक्ट ही अगर आपने मेंशन कर दिए, इतना ही काम अगर आपने सही में डिटेल वे में अगर कर दिया, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 8 to 9 मार्क्स आउट ऑफ 15 मार्क्स। और इतना आप मेंशन करना काफ़ी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। और इसमें आपको अगर कुछ भी अगर लग रहा है कि वो आउट ऑफ जोन है, मैंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में डिस्कस किया है जब मैंने बायोडाइवर्सिटी वाली वीडियो डाली थी, नेशनल पार्क से रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगा, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और फॉरेस्ट रिलेटेड मैं वीडियो एक या दो वीडियो मैं डालूंगा जल्दी आने वाले टाइम में, और उसके अलावा इंडेमिक और क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड भी वीडियो मैं जल्दी आने वाले टाइम में ही डालूंगा। और एक्ट से रिलेटेड एक और इसके बाद वीडियो आएगी, डैट विल बी ऑन द फॉरेस्ट लेजिस्लेशन, जिसमें चार एक्ट कवर होंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो रिगार्डिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब माई चैनल, डैट इज़ अंशुमान राजन्स। थैंक यू।